हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स लर्निंग धमाल। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इस रूबिक्स क्यूब के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आर 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 मतलब क्या होता है। हम राइट लेयर को ऊपर घुमाते हैं और आर डैश मतलब हम राइट लेयर को नीचे घुमाते हैं। इसी का उल्टा एल होता है। हम एल डैश मतलब हम एल को ऊपर घुमाते हैं और एल मतलब हम लेफ्ट को नीचे घुमाते हैं। और यू यू मतलब अप, हम आपको कुछ ऐसे घुमाते हैं और फिर डाउन को ऐसे घुमाते हैं। फिर आते हैं फ्रंट। हम फ्रंट को फ्रंट मतलब एफ, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और बैक मतलब बी, तो हम इसको भी एंड इसको हम फ्रंट के जैसा घुमाएंगे पर उल्टा घुमाएंगे। तो देखो ये ऐसा। तो और इसमें कुछ 6 सेंटर पीसेस होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 12 एज पीसेस होते हैं, वो हमेशा कॉर्नर पीस के बीचों बीच होते हैं, जैसे कि ये वाला, 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 ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये कुछ बेसिक इन्फ और कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस की स्पेशलिटी क्या होती है कि उस पर 3 कलर्स होते हैं और वैसे 8 कॉर्नर पीस होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन हो गई। अब मैं आपको रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें पहले एक येलो सेंटर पीस लेना होता है और वाइट 4 एच पीस लाने होते हैं। 4 वाइट एच पीसेस मिला देखो ये कोई डेजी फ्लावर जैसे होता है। फिर हमें ये मैच करना होता है, ब्लू ब्लू के सेंटर पीस के साथ मैच होता है। फिर इसको हमें 2 बार नीचे टर्न करना है, फिर हम फिर से मैच करेंगे ऑरेंज ऑरेंज के साथ। फिर इसको भी 2 बार नीचे टर्न करेंगे, फिर ग्रीन 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 के साथ उसको भी 2 बार नीचे टर्न करेंगे। अब रेड रेड को भी वैसे ही 2 बार नीचे टर्न करेंगे। तो देख इधर एक वाइट प्लस बन चुका है। तो अब हमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट करनी होती है। तो उसके लिए आपको एक कॉर्नर पीस चाहिए जो कि टॉप पे ना हो, बल हमारे फेस के इधर हो या साइड में हो। तो मुझे कॉर्नर पीस मिल गया, ये वाइट ब्लू और रेड। तो इसको मैच करेंगे, पहले ये ब्लू ब्लू के साथ है और रेड रेड के। आप सोच रहे होगे कि अगर ये वाला पीस इधर होता तो ये मैच होता, पर वो वैसा गलत होता है। अगर आपका वैसा रहेगा तो वो मैच नहीं होता। तो उसके लिए भी एक एल्गोरिथम है ये इधर आने के लिए, मैं आपको बताता हूँ और करके भी बताता हूँ। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, डाउन को पीछे। नहीं देखो ये वाला पीस जो है वो इधर आ गया है, ये वाला पीस इधर आ चुका। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पीस पे। तो देखो ये मुझे मिल गया है वाइट ग्रीन और रेड। और देखो रेड रेड के साथ मैच हो रहा है और ग्रीन ग्रीन के साथ। तो फिर से वही एल्गोरिथम करेंगे। तो देखो ये वाला पीस इधर आ चुका है। अब कौन सा है, हाँ अब ये वाला है। तो इसको भी हम मैच करेंगे। तो देखो ये मैच हो चुका है। तो फिर से भी एल्गोरिथम करेंगे, हो गया। अब और ये वाला, अब ये मैच हो रहा है। देखो ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन। तो फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। नहीं हुआ फिर से। तो देखो वो पीस आ चुका है। और इसी की तरह हमारी फर्स्ट लेयर जो है आसान से सॉल्व हो सकती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड लेयर में आपको क्या करना रहता है, आपको ऐसा वाला पीस ढूंढना रहता है एच पीस जो कि नॉन येल्लो हो, जैसे कि ये वाला येल्लो और
जो वेज पीस आप ले रहे हो उसके इधर भी गलत नहीं होना चाहिए और इधर भी, जैसे कि मैं ये नहीं लूँगा, ये भी नहीं लूँगा, ये भी नहीं लूँगा और ये वाला, तो मेरे पास बस यही है। और फिर मैं, और ये कौन सा है, ब्लू और ऑरेंज, तो हमें इस पीस को इधर लाना है। तो अगर ये वाला पीस इधर लाना होगा तो इसके हम अपोजिट ये घुमाएंगे, फिर लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, फिर इसको इससे ऐसा एक एल बन जाएगा, फिर मैच करेगा, फिर राइट लेफ्ट लेयर को नीचे, तो फिर हम ऐसा कर, तो हमें डाउन डाउन वाली लेयर है उसको इस बाजू में घुमाना है, फिर लेफ्ट लेयर को नीचे करना है, फिर इसको इसके साथ मैच करके ऊपर करना है। तो देखिए ये वाला जो एच पी से वो इधर आ चुका है, तो अब कौन सा है, ऑरेंज और ग्रीन, देखो इसका भी हमें वैसा ही करना रहता है, इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर ये ऊपर, फिर इसको मैच कर लेंगे और फिर ये नीचे, तो फिर से इसको इसके साथ मैच कर देंगे। तो देखो ये वाला पीस इधर आ चुका है, अभी इधर कोई भी ऐसा पीस नहीं है, तो सिंपल ऐसा इसको टर्न करके ये करेंगे, फिर इसको इसके साथ मैच करेंगे, फिर अब लेते हैं। तो एक देखो ग्रीन और रेड वाला पीस आ चुका है, तो इसको मैच कर लेंगे, तो देखो ये वाला पीस इधर आ चुका है। अब बाकी ब्लू और रेड ये भी इधर ही है, तो देखो ये सेकंड सॉल्व हो चुकी है। और आपको फिर क्या करना रहता है, आपको इधर एक ऐसा एक डॉट मिल जाएगा, फिर आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, फ्रंट को क्लॉकवाइज, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपको ऐसा एक उल्टा एल मिल जाएगा, फिर से आपको अगर फिर से आपने वो एल्गोरिथम किया तो आपको लाइन मिलेगी, और अगर फिर वो लास्ट बार आपने अप्लाई किया तो आपको प्लस मिल जाएगा, और प्लस मिलने के बाद आपको बस एच पीस पे ध्यान देना है, प्लस बना के हमें कॉर्नर पीस पे ध्यान देना है। अब देखो हमें एक करेक्ट ही बनाना है, देखो ये करेक्ट ही बना है, पर सारे नहीं बने, तो हमें कैलकुलेटर करेंगे, और आपने जो करेक्ट ही बनाया है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और एल्गोरिथम करेंगे, आर को दो बार ऊपर, यू को फ्रंट को क्लॉकवाइज, बैक को भी क्लॉकवाइज, आर को फिर से दो बार ऊपर, फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर योक को आगे और फिर दो बार ऊपर करेंगे, आया के नहीं तो अब फिर से कौन सा भी ले सकते हो, मैं ग्रीन ले रहा हूँ, इससे वो एल्गोरिथम कर सकते हैं। तो देखिए ये एक सबसे मैच होकर एक करेक्ट ही बन रहा है। अब हमें करने थे करेक्ट कॉर्नर पीसेस, उसके लिए हमें अभी एक एल्गोरिथम है, आप कौन सा भी कॉर्नर पीस ले सकते हो, पर वो फ्लिप होना चाहिए, मगर अपने सेंटर से मैच होना चाहिए। तो देखो इधर कौन सा भी नहीं, तो मैं एल्गोरिथम बोलूँगा आर को ऊपर, यू को आगे, एफ राइट लेफ्ट को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे, लेफ्ट को नीचे, डाउन को पीछे, और फिर से चेक करें कि कोई आया कि हाँ, ये देखो ये येलो ब्लू और रेड है, तो फिर से हम वही एल्गोरिथम करेंगे। और आपने जो ये आपको फ्लिप खोलने मिलेगा कौन सा भी, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, फिर से वही एल्गोरिथम करेंगे। देखिए कर दिया बाया क्या, सब कुछ आ चुका है। तो देखिए मैंने जब किया तो मुझे ऐसा मिल गया, और आपको पहले एक येलो जो ऑरेंज वाला कॉर्नर लेना है, और आपका जो ब्लू है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, येलो ब्लू ऑरेंज और येलो ब्लू रेड के ऊपर, फिर से ब्लू ऊपर और येलो ग्रीन रेड के रेड ऊपर, और येलो ग्रीन ऑरेंज और ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज ऊपर रहना चाहिए। तो हम पहले येलो ब्लू और ऑरेंज कॉर्नर पीस लेंगे, फिर एल्गोरिथम करेंगे, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे, राइट को नीचे, डाउन को पीछे, राइट को ऊपर, डाउन को आगे, राइट को नीचे, डाउन को पीछे, राइट को ऊपर, डाउन को आगे,
राइट को नीचे, टंग को पीछे, राइट को ऊपर, टंग को आगे। तो देखो ये वाला पीसीज आ चुका है। हम आप पर लेवल घुमाएंगे और आपको पूरा क्यूब नहीं घुमाना है, बस आप पर लेवल घुमाना है और फिर से वो एल को करेंगे। राइट को नीचे, टंग को पीछे, राइट को ऊपर, टंग को आगे, राइट को नीचे, टंग को पीछे, राइट को ऊपर, टंग को आगे। तो ये वाला पिस्टल मैच कर मैच हो चुका है। तो हम फिर से आप पर लेवल घुमाएंगे और फिर से वो एल को करेंगे। आर को नीचे, डंग को पीछे, आर को ऊपर, डंग को आगे, आर को नीचे, डंग को पीछे, आर को ऊपर, डंग को आगे। तो देखिए ये वाला इधर आ चुका है। हम अपर लेफ्ट फिर से घुमाएंगे और फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। आर को नीचे, डंग को पीछे, आर को ऊपर, डंग को आगे, राइट को नीचे, डंग को पीछे, राइट को ऊपर, डंग को आगे, राइट को नीचे, डंग को पीछे, राइट को ऊपर, डंग को आगे, राइट को नीचे, डंग को पीछे, राइट को ऊपर, डंग को आगे। तो देखिए आपका जो पूरा इस ट्रिक से आपका जो पूरा का जो रूबिक्स क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।